चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। उपचुनाव में अयोध्या की इस सीट और कटेहरी सीट को लेकर भाजपा का बड़ा फैसला, इन चेहरों पर दांव लगाएगी पार्टी। ईरान के खिलाफ इजराइल का खौफनाक बदला, पहले वार में ही ठप कर दिया देश, सहमी दुनिया। चुनाव से पहले ट्रंप बोले, विदेशी उत्पादों पर भारत लगाता है सबसे ज्यादा टैक्स, राष्ट्रपति बनने पर हम भी करेंगे ऐसा। टीचर की भर्ती को लेकर सीएम योगी ने दिए संकेत, 80,000 शिक्षकों के तहत खाली हुए पदों को जल्द किया जाएगा बहाल। राहुल ने फेंका पासा, इन सीटों के बदल जाएंगे नतीजे, शपथ से पहले ही सैनी की बड़ी मुश्किलें। कंगारुओं के आगे भारत हुआ पस्त, करारी हार से सेमीफाइनल की राह हुई मुश्किल। इजरायली हमले की चपेट में आया यूएन का 5वां शांति सैनिक, लेबनान में बिगड़ रहे हालात। सीएम योगी से मिले एमएलए योगेश वर्मा, बीजेपी से चारों आरोपी निष्कासित, एफआईआर होगी दर्ज। सपा के प्रतिनिधि मंडल ने अमन के परिवार को सौंपा 2 लाख का चेक, भाजपा विधायक ने दी 1 लाख की नकदी। महाराष्ट्र में राज्यपाल कोटे की सीटों को भरने का सिलसिला शुरू, महायुति ने भेजा 7 नामों का प्रस्ताव। उम्मीद है कि पीएम मोदी राहुल गांधी को विश्वास मिलेंगे, भारत ने लिया कनाडा के खिलाफ एक्शन तो बोले जयराम रमेश। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। उपचुनाव में अयोध्या की इस सीट और कटहरी सीट को लेकर भाजपा का बड़ा फैसला। बताते चले कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में भाजपा कटेहरी, मझुआ, फूलपुर और मिल्कीपुर सीट पर पिछड़े नेताओं को ही चुनाव लड़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। दिल्ली में रविवार को केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई भाजपा बैठक में कटेहरी, मिल्कीपुर और मझुआ सीट को लेकर सबसे ज्यादा माथापच्ची हुई। सूत्रों का कहना है कि सुरक्षित सीट होने की वजह से मिल्कीपुर से कोई दलित चेहरा तो उतरेगा ही, साथ ही कटेहरी और मझुआ सीट पर भी पिछड़े चेहरे को ही उतारा जाएगा। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। ईरान के खिलाफ इजराइल का खौफनाक बदला, पहले वार में ही ठप कर दिया देश। इजराइल पर 1 अक्टूबर को ईरान की ओर से भयानक मिसाइल अटैक के बाद से लगातार गंभीर सैन्य तनाव बना हुआ है। इस हमले के बाद इजराइल ने सही वक्त आने पर ईरान को करारा जवाब देने का ऐलान किया था। इस मिसाइल हमले के 11 दिनों बाद आज ईरान से बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की न्यूक्लियर ठिकानों समेत कई संस्थानों पर एक साथ बड़े पैमाने पर साइबर अटैक हुए हैं। इन अटैक से ईरान की व्यवस्था चरमरा गई है। इसे ईरान पर इजरायली हमले का पहला कदम माना जा रहा है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। चुनाव से पहले ट्रंप बोले, विदेशी उत्पादों पर भारत लगाता है सबसे ज्यादा टैक्स, राष्ट्रपति बनने पर हम भी करेंगे ऐसा। बता दें दोस्तों कि अमेरिका में चुनावी माहौल है। अगले महीने के पहले हफ्ते में राष्ट्रपति का चुनाव होना है। चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान अमेरिका में बयानबाजी का दौर चल रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को आरोप लगाया कि सभी प्रमुख देशों में भारत विदेशी उत्पादों पर सबसे अधिक टैरिफ यानी टैक्स लगाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने डेट्रॉइट इकोनॉमिक क्लब के सदस्यों से बात करते हुए ये बात कही। वहीं रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप ने कहा, अगर वह अमेरिका के अगले राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वह ऐसा ही टैक्स लागू करेंगे। भारत पर उनकी ऊंची टैरिफ दरों का आरोप लगाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, शायद अमेरिका को फिर से असाधारण रूप से समृद्ध बनाने की मेरी योजना का सबसे महत्वपूर्ण तत्व पारस्परिकता है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। कंगारुओं के आगे भारत हुआ पस्त, करारी हार से सेमीफाइनल की राह मुश्किल। महिला T20 विश्व कप में भारतीय टीम ने निराशाजनक प्रदर्शन किया और अब उस पर बाहर होने का खतरा मंडरा गया है। बता दें कि ग्रुप मैच में भारत का सामना बीते दिन ऑस्ट्रेलिया से हुआ, जहां भारतीय महिला टीम को 9 रन से हार मिली। वहीं बता दें 152 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 142 रन ही बना सकी। जीत के साथ कंगारू टीम ने तो सेमीफाइनल का टिकट ले लिया, लेकिन भारतीय टीम की मुश्किलें अब बढ़ गई। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। सीएम योगी से मिले एमएलए योगेश वर्मा, बीजेपी से चारों आरोपी निष्कासित, एफआईआर होगी दर्ज। जी हाँ, बता दें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने लखीमपुर खीरी से सदर विधायक योगेश वर्मा के साथ मारपीट और अभद्रता मामले में
कड़ी कार्रवाई की है। वही बता दें कि बीजेपी ने खीरी बार के अध्यक्ष अवधेश सिंह, उनकी पत्नी पुष्पा सिंह, जिला उपाध्यक्ष अनिल यादव और पूर्व जिला संयोजक ज्योति शुक्ला को निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने यह कार्रवाई कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद की है। इससे पहले एमएलए योगेश वर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। इजरायली हमले की चपेट में आया यूएन का 5वां शांति सैनिक, लेबनान में बिगड़ रहे हालात। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में गोलियों की चपेट में आने से संयुक्त राष्ट्र का एक और शांति रक्षक घायल हो गया, जो हाल के दिनों में घायल होने वाला संयुक्त राष्ट्र का 5वां शांति सैनिक है। बता दें यूनिफिल ने शनिवार को एक बयान में कहा कि शांति सैनिक शुक्रवार की रात दक्षिणी शहर नाकोरा में उसके मुख्यालय के आसपास चल रही सैन्य गतिविधि में घायल हो गया। हालांकि गोलाबारी किस तरफ से की गई इसकी जानकारी अभी नहीं है। बयान में कहा गया सैनिक हमारे नाकोरा अस्पताल में भर्ती है, गोली निकालने के लिए उसकी सर्जरी की गई और फिलहाल उसकी हालत स्थिर है। डॉक्टर के हवाले से न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने कहा शुक्रवार रात गाजा के जाबालिया में इजरायली हमले में लगभग 20 लोग मारे। इजरायल रक्षा बल ने शुक्रवार को स्वीकार किया कि उसके सैनिक उस घटना के लिए जिम्मेदार थे जिसमें नाकोरा में 2 श्रीलंकाई सैनिक घायल हो गए थे। आईडीएफ ने कहा कि बेस के पास तैनात सैनिकों ने खतरे की पहचान करने के बाद गोलाबारी की और इस घटना की उच्चतम स्तर पर जाँच। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। राहुल ने फेंका पासा, इन सीटों के बदल जाएंगे नतीजे, शपथ से पहले सैनिक की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ, बता दें दोस्तों जब बीजेपी लगातार तीसरी बार जीती तो कांग्रेस ने वोटों की गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर आरोप लगाए। हालांकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत कांग्रेस को रास नहीं आ रही। बता दें दोस्तों टीम खड़गे की ओर से शुक्रवार को चुनाव आयोग को दिए गए ज्ञापन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धोखाधड़ी के आरोपों के अलावा कांग्रेस के पानीपत उम्मीदवार वरिंदर कुमार की शिकायत भी शामिल है। चुनाव आयोग को दिए गए ज्ञापन के मुताबिक वरिंदर कुमार ने आरोप लगाया कि वोटों की गिनती के दौरान कई ईवीएम कंट्रोल यूनिट में 99% बैटरी लेवल दिखाया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव एजेंटों को फॉर्म 1780 की प्रतियां जो मतदान केंद्र में डाले गए वोटों की संख्या दर्ज करता है, मतगणना हॉल में ले जाने की अनुमति नहीं। उन्होंने यह भी दावा किया कि एजेंट डेटा का मिलान नहीं कर पा रहे हैं जिससे छेड़छाड़ का संदेह पैदा हो रहा है। कांग्रेस ने जिन 13 सीटों पर गड़बड़ी का आरोप लगाया उनमें उचाना कला, पटौदी, इंद्री, बड़खल, फरीदाबाद, एनआईटी, नलवा, रानिया, पलवल, बल्लभगढ़, बरवाला और घरौंदा शामिल हैं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। सपा के प्रतिनिधि मंडल ने अमन के परिवार को सौंपा 2,00,000 का चेक। जी हां, बता दें दोस्तों परिवार को आर्थिक मदद सौंपने के दौरान सांसद आरके चौधरी ने कहा कि निर्दोष अमन गौतम को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया जिससे अमन की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। जी हां, बता दें दोस्तों विकास नगर के गजरहनपुरवा में पुलिस हिरासत में हुई अमन की मौत के बाद अब राजधानी में सियासत गर्मा गई है। एक तरफ घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है तो दूसरी तरफ सियासी गलियारों में यह घटना चर्चा का विषय बन गई है। रविवार से अमन के घर पर नेताओं का आवागमन भी जारी है। रविवार को आजाद समाज पार्टी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद, सपा सांसद आरके चौधरी समेत अन्य लोगों ने मुलाकात की। वहीं सोमवार को भी अमन के घर नेताओं का तांता लगा रहा। सोमवार को सबसे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा। इसके बाद समाजवादी पार्टी और भाजपा ने भी पहुंचकर परिजनों को आर्थिक सहयोग किया है। वहीं परिवार को आर्थिक मदद सौंपने के दौरान सांसद आरके चौधरी ने कहा कि निर्दोष अमन गौतम को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया जिससे अमन की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। पीड़ित परिवार गरीब और दलित है इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पीड़ित परिवार की न कोई मदद की और न ही दोषियों पर अभी तक कोई कठोर कार्रवाई की। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान सरकार दलित पिछड़ा विरोधी है जो कि बाबा साहब के संविधान को नहीं मानती है, इसलिए पीड़ित परिवार की अभी तक कोई मदद नहीं की। अमन गौतम की पत्नी रोशनी गौतम और बहन सुधा गौतम समेत सभी परिजनों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार प्रकट किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष से परिवार ने मुलाकात करने की इच्छा व्यक्त की। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। उम्मीद है कि पीएम मोदी राहुल गांधी को विश्वास मिलेंगे, भारत ने लिया कनाडा के खिलाफ एक्शन तो बोले
जयराम रमेश। जी हां, बता दें दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच चल रहा कूटनीतिक विवाद सोमवार देर रात और बढ़ गया। भारत ने ओटावा स्थित अपने टॉप के राजदूत को वापस बुला लिया और कनाडा के 6 राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया। मामले पर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मामला अत्यंत संवेदनशील है और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विश्वास मिले। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निश्चित रूप से आशा और अपेक्षा रखती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत कनाडा संबंधों के बिगड़ते अत्यंत संवेदनशील और नाजुक मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को तुरंत विश्वास। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।